कर्नाटक चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में मतदाताओं को लुभाने और उन तक अपनी पैठ जमाने की कवायद तेज हो गई है। भूपेश सरकार भरोसे के सम्मेलन के जरिए अपनी योजनाओं के जरिए आम आदमी तक पैठ मजबूत करने की मशक्कत में है। बस्तर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर चुकी भूपेश सरकार की अगली रणनीति के तहत अब पाटन में भी इसी तरह का आयोजन 21 मई को होगा। प्रदेश में गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्वामी आत्मा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना समेत अन्य तमाम योजनाओं व उपलब्धियों को जनता से साझा करेंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया जाएगा। पहले जगदलपुर में बस्तर में भरोसे सम्मेलन हुआ था, उसके पहले सरगांव हुआ और अब पाटन सांकरा में दुर्ग संभाग का भरोसे सम्मेलन होगा और उसमें जहाँ राजीव गांधी के शहादत दिवस, उसकी शहादत को भी याद करेंगे, उसके साथ साथ राजीव जी के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव युवा मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों के और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों था, महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूँगा साथियों से।